वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थ्री। इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस टॉपिक से टोटल हम करने वाले हैं 115 प्लस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज में चार टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और इतने इतने क्वेश्चन कंप्लीट मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और ये पार्ट मेंशन है यहाँ पे। ये पूरी टॉपिक्स को आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको पूरा का पूरा अरेंज फॉर्म में मिलेगा, अरेंज किया हुआ फोल्डर के साथ, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को का भी टारगेट है 500 लाइक का, अगर आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लोग चाहो तो इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को मेरे इस सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है वो कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करें कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है या नहीं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको वहां पे भी मिल जाती है। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट द रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ एट द इतना परसेंट पर एनम बाय इतना, देन द सम ऑफ मनी इज। कहा गया कि एक किसी धनराशि पर इतना परसेंट वार्षिक ब्याज से 15 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर इतना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से इतना ज्यादा है, तब धनराशि क्या होगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, लेट सपोज सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, हम एक ही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई कर रहे हैं, PRT/100। पहले वाले केस का प्रिंसिपल क्या है, P। रेट कितना है, साढ़े इतना परसेंट, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 7 × 14 = 15, 15/2 यानी 15/2 नीचे चला गया, ठीक है। इनटू क्या है, 15 मंथ टाइम 15 मंथ को अगर मैं ईयर में डिवाइड करूं तो क्या 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये क्या है, नीचे 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस का भी प्रिंसिपल तो वही होगा। उस केस में क्या है, रेट कितना है, इतना 12 × 24 = 25/2, ठीक है। टाइम कितना है, 8 मंथ, इसको ईयर में डिवाइड करने के लिए क्या 12 से डिवाइड करूंगा तो नीचे हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस केस में और नीचे क्या है, PRT/100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, क्योंकि देखो कभी भी मोर वर्ड कहे या लेस वर्ड कहे, ज्यादा या कम कहे, दैट मींस दोनों के बीच का डिफरेंस, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 32.50। अब देखिए मैं तुरंत करने वाला हूं, देखो 12 × 24 और कितना हो गया 100, 2400, नीचे 2400 हो गया, ऊपर कितना है 25 × 25, 225 पी माइनस, नीचे क्या है, इधर भी 12 × 24, 2400, 25 वाठा होता है 200, तो 200 पी इन इज इक्वल टू क्या हो गया 32.50। अब देखिए इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो नीचे 2400 होगा, 225 पी माइनस 200 पी यानी क्या हो गया 25p/2400 = 32.50। इस 0.0 को हटाऊं तो क्या हो गया, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया क्या, चलो 25 से इसको मैं काट दूं, 25 से कहीं 25 कितना बचा, 7 × 25 = 75, 130। प्रिंसिपल कितना आ गया, 130 × 24। अब देखो जीरो लास्ट में तो जीरो आना चाहिए, उसके बाद 4 × 3 = 12, 20 किस में आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है लेकिन 20 लास्ट में किसके आ रहा है, इसमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको मल्टीप्लाई भी करना है तो 130 में 24 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, आ जाएगा 3120। तो आप क्यों करोगे, क्योंकि आप यूनिट डिजिट का यूज कर लो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2005 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 70
300 यानी प्रिंसिपल दिया गया है 7300। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम 11 मई 1987 टू 10 सितंबर 1987 बोथ डेज आर इंक्लूड, यानी कि ये भी इंक्लूड है और 11 डेज 11 तारीख और इधर का 10 सितंबर भी इंक्लूड है। एंड 5% पर एनम रेट दिया गया है 5%। तो कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास दिया गया है 11 मई 1987 टू कहां तक, 10 सितंबर 1987। तो खुद सोचो मई में 11 से स्टार्ट होना है, तो खुद सोचो मई कितना का महीना होता है, 31 का। 31 में से 11 माइनस कर दूं तो कितना हो गया, 20। लेकिन हमें 11 को इंक्लूड करना है, तो 11 को इंक्लूड करना है यानी कितना दिन हो गया, मई का 21 दिन प्लस जून, जून कितने का होता है 30। जून के बाद जुलाई, जुलाई कितने का होता है 31। जुलाई के बाद अगस्त कितने का होता है 31। और सितंबर में 10 ही यहां से बढ़ना है, और 10 सितंबर यानी 10 दिन, क्योंकि 10 ये 10 भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। 10 सितंबर भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल डेज हो गया, हमने टोटल डेज फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल डेज मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 30, 30, 30, 60, 30, 90 और 10, 100। 100 और 20, 120, 1, 2, 3 यानी 123 डेज, हमने 123 डेज। हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पी आर टी अपॉन 100, उसी पे अप्लाई करना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 7300, रेट कितना दिया गया है 5% यहां से मैंने लिया, और टाइम, टाइम कितना दिया गया 123 डेज। अब पता है कि टाइम ईयर में हम करते हैं तो 365 से क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है 100। देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 73 × 5 पांतियां 15, 7, 5, 35, 36 यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा कितना 365, कैंसिल हो गया, आया हमारा कितना 123 रुपीज, क्या हो गया एज ए सिंपल इंटरेस्ट। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सीजीएल के प्री एग्जाम में 2005 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहा गया ए पर्सन बोरो 5000 रुपीज फॉर 2 ईयर 4% पर एनम, ठीक है, टाइम 2 ईयर, रेट 4%। आगे बढ़ते हैं, ही इमीडिएटली लैंड्स टू इट अनदर पर्सन एट इतना परसेंट पर एनम एज ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। दूसरे पर्सन के बारे में कहा कि 6 सही 1/4% के रेट पे उसने इमीडिएटली दूसरे पर्सन को लैंड करता है, और टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर। ही गेन इन दिस ट्रांजेक्शन इज, उसने कितना गेन किया। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया था रेट इंटू टाइम मिलाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या मिलेगा, परसेंटेज। तो अब खुद सोचो यहाँ पे कितना है, ये 24 और ये 25/4 है ना, ये परसेंटेज है। यहाँ का रेट इंटू टाइम करूँ, आर इंटू टी यहाँ का करूँ, तो 25/4% × 2 यानी 2 यानी 25/2 यानी कि 12.5%। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 × 8 8%। देखो पहले 8% मिल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और अब कितना मिल रहा है 12.5%। तो कितने का बेनिफिट हुआ यहाँ से यहाँ तक में, कितने का बेनिफिट हुआ, 4.5% का बेनिफिट हुआ यानी ज्यादा मिला। अब 4.5% का ज्यादा मिला तो बताओ इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है 5000, उसका मैं 4. ये जो क्या है इंटरेस्ट मिला है वो क्या है, गेन वाला, बेनिफिट वाला है। तो बताओ इसका 5000 का 4.5% निकाल दूं तो 4.5% ये क्या हो गया, कैंसिल। यहां से ये हो गया तो 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल। 45 × 5 कितना हो गया, 225 आ गया। 225 रुपया क्या हो गया, उसको टोटल गेन हुआ एज ए इंटरेस्ट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको सीजीएल प्री 2005 में पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और जितना सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है आपको सिंपल तरीका वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन भी आपको सीजीएल प्री 2005 में पूछा गया एग्जाम में। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इट सेल्फ इन 20 years एज ए सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी डज इट बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले मैं इसको आपको बेसिक से कराता हूँ, लेकिन एग्जाम में देखो मैं इसको 3 मेथड से कराऊंगा, बेसिक, उसके बाद रेशियो, रेशियो के बाद उसके बाद आपको इसमें एक बेसिक से भी बेस के फॉर्मेशन से, ये तीनों के फॉर्म में मैं आपको कराने वाला हूँ। बेसिक से हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इन दोनों का यूज करके बनाएंगे, लेकिन क्या है कि बेसिक से ही इसका आपको अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा। तो बेसिक इज मस्ट, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो ना तो बेसिक इज मस्ट, बेसिक क्लियर रहेगी तो आप क्वेश्चन कितना भी लैंग्वेज घुमाए आप बना सकते हो क्वेश्चन। तो चलिए अब हम पहले इसको बेसिक से करते हैं। लेट सपोज प्रिंसिपल पी है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या बन जा रहा है, अमाउंट 3 times हो जा रहा है, यानी अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल पी है, अमाउंट क्या हो जा रहा है 3 times यानी 3p, तो बताओ इंटरेस्ट कितना बना, 2p बना, क्योंकि आपने पढ़े हो इंटरेस्ट क्या होता है, a माइनस पी, तो ये प्रिंसिपल हमने पी माना तो अमाउंट 3p हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल का 3 गुना है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, a माइनस पी यानी क्या हो गया 2p। अब देखो इंटरेस्ट क्या है 2p, इंटरेस्ट होता क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है हमारा p, आर रेट, रेट नहीं पता है निकाल लेंगे हम, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया 20 ईयर अपॉन क्या, पी से पी कैंसिल, 20 × 5 = 100, रेट आ गया आपका 10%। चलो रेट आ गया हमारा 10%। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देखिए हमारे पास रेट आ गया 10%। अब क्वेश्चन आगे क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स डस इट बिकम्स डबल। अब देखो प्रिंसिपल तो वही है, अमाउंट क्या हो जा रहा है डबल यानी 2p, तो इंटरेस्ट कितना का बना, इंटरेस्ट क्या होता है a माइनस पी यानी 2p माइनस पी, इंटरेस्ट p। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है हमारा p, इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल भी क्या है p, रेट कितना आ गया हमारा 10, टाइम निकालना है डिवाइडेड बाई 100, पी से पी कैंसिल यानी टाइम कितना हो गया 10 ईयर, यानी 10 ईयर में वो क्या हो जाएगा डबल। तो ये था बेसिक अप्रोच। अब बेसिक अप्रोच से आपको क्या पता चला, देखो क्या पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट हमें पी से 2p हो गया तो क्या हो रहा है इसमें कितना ऐड हुआ, तो 2p ऐड हुआ, पी से 2p हो गया तो कितना ऐड हुआ, पी ऐड हुआ, यानी जो हमारा एडिशन है, जो हमारा एडिशन है वही क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो बस अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से करते हैं, सॉरी लॉजिकल अप्रोच और रेशियो अप्रोच से। देखिए ध्यान से, लेट सपोज प्रिंसिपल 1 unit है, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 3 गुना, कितना ऐड हुआ 2 unit, 2 unit का एडिशन हुआ कितने सालों में, 20 ईयर में, ये तो फॉर्मेशन हो गया। दूसरे केस में क्या है, प्रिंसिपल अगर 1 unit है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है डबल, कितना का एडिशन हुआ 1 unit, यही 1 unit का एडिशन तो हमें पूछा जा रहा है, तो 2 unit का वैल्यू 20 ईयर है, तो 1 unit की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 ईयर, यानी यही 1 unit का वैल्यू निकालना था, 10 ईयर आंसर हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तरीका सबसे बेटर है, ठीक है। मेथड 3, 100 मान के भी बना सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अगर 100 मानता हूं तो अमाउंट हो जा रहा है 3 गुना यानी 300, कितना ऐड हुआ 200 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, 200 की वैल्यू कितने ईयर में हो रहा है 2 ईयर में। दूसरे केस में प्रिंसिपल मान लेता हूं 100, क्योंकि प्रिंसिपल तो ही है, अमाउंट क्या हो जा रहा है डबल यानी 200, कितना का एडिशन हुआ 100 unit का, यही 100 unit निकालना है, तो 200 की वैल्यू 20 ईयर है, तो 100 unit की वैल्यू इसका आधा, तो इधर भी आधा कर लूं यानी 10 ईयर। तो आप कोई भी लॉजिक लेके चलो, लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमने, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अब आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया, ए पर्सन बोरो सम मनी फॉर 5 ईयर, द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट यानी
प्रिंसिपल मैं मान सकता हूँ लोन अमाउंट को, प्रिंसिपल टू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल टू इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया गया 5:2। आगे बढ़े, द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल टू इंटरेस्ट रेट निकालना है हमें। देखो सबसे पहले हम करते क्या है, प्रिंसिपल 5 यूनिट है, इंटरेस्ट 1 यूनिट है, इंटरेस्ट होता क्या है पीआरटी बाई 100, इंटरेस्ट 2 यूनिट, प्रिंसिपल है 5, आर नहीं पता है आर निकाल देते हैं, और टाइम, टाइम कितना दिया गया 5 अपॉन क्या 100। देखो 50 25 25 24 100, रेट कितना हो गया 8%, रेट 8%। अब देखो रेट क्या डिफाइन करता है, रेट 8% का मतलब 8/100, यानी कि अगर 100 प्रिंसिपल है तो उसका इंटरेस्ट कितना है 8, यानी प्रिंसिपल अगर 100 है तो इंटरेस्ट कितना है 8 यूनिट, लेकिन इंटरेस्ट तो एक्चुअल में है कितना 2 यूनिट, यानी कितना गुना 1/4, तो इधर भी 1/4 कर लें तो कितना हो गया प्रिंसिपल 25, और रेशियो यही तो पूछा गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट का, तो वो कितना हो जाएगा 5:25:2। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्री 2005 के एग्जाम में पूछा, ठीक है, तो आप आसानी से यहां से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन भी प्री एग्जाम 2005 में पूछा गया। कहा गया है RS64 अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर, व्हाट विल बी द इतना अमाउंट टू इन 4 ईयर एट द सेम रेट परसेंट। देखो सबसे पहले पहला केस वन, फर्स्ट केस में क्या है, प्रिंसिपल दिया गया है 64, अमाउंट दिया गया है 83.20, टाइम दिया गया है 2 ईयर। तो अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, एक तो a माइनस p, यानी 83.20 माइनस 64 यानी कितना हो गया 19.20। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट इतना PRT by 100, प्रिंसिपल 64, R नहीं पता है निकाल लेते हैं, टाइम कितना है 2 अपॉन क्या 100। अगर यहां पे मैं हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 100, कैंसिल, ये हो गया। 2 से इसको काटूं तो 2 9 18, 2 6 960, 16 से काटूं तो 16 4 64, 16 6 96, तो ये कितना हो गया 15, यानी रेट मिल गया हमारे पास 15%। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, और कैलकुलेशन आपको अपने ही अकॉर्डिंग करना होता है। अब देखिए अब हमारे पास रेट मिल गया 15%, टाइम अब क्या लग रहा है 4 ईयर, प्रिंसिपल तो वही प्रिंसिपल, अब इस केस में क्वेश्चन में दिया गया कितना है प्रिंसिपल 86, तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं, नया सिंपल इंटरेस्ट न्यू, तो देखो ध्यान से सिंपल इंटरेस्ट न्यू क्या होगा, प्रिंसिपल 86 इंटू टाइम 4 इंटू 15 अपॉन क्या 100। देखो 15 4 60 60 से 10 कैंसिल, ये कितना हो गया 16 6 86 6 6 36 8 6 48 3 51 अपॉन 10 यानी कितना हो गया 51.6 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या पूछा गया अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 86, इंटरेस्ट कितना है 51.6 यानी कितना हो गया 0.6, 6 7 8 5 13, 81.37.6 एज ए अमाउंट 4 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 क्या कहा गया है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पोंडिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। देखो रेट क्या दिया गया है 6%, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयर एक साल में 2 बार आता है, तो रेट में क्या होता है डिवाइड हो जाता है, रेट अगर 60% है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3%, क्योंकि क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हाफ ईयरली क्या होगा
छह महीना पे आएगा दो बार, लेकिन टाइम अगर वन ईयर है पर एनम था तो टाइम में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो वन इंटू टू कितना हो जाएगा टू टू। तो अब देखो ध्यान से, इफेक्टिव रेट पूछा जा रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हो ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया गया है इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट कैसे, फर्स्ट 3% है, दो बार इसको करना है तो इफेक्टिव रेट होता है, अगर मान लेते हैं रेट दिया गया है एक्स परसेंट और टाइम दिया गया है टू ईयर और पूछा कि इफेक्टिव रेट क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट परसेंट यानी रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर क्या होगा, तो होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन। तो वही चीज है, देखो रेट कितना है 3% और टाइम टू ईयर, तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 × 3/100। ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहां से भी आपने पढ़ा होगा वहां पे पढ़ाया गया होगा ये चीजें। चलिए तो अब ऐसे कर लेते हैं, तो कितना हो गया 6 + 9/100 यानी कि 6 + 0.09 यानी क्या हो गया 6.09%। ये क्या हो गया इफेक्टिव, ऑप्शन कौन सा मैच किया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा गया है, कहा गया कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर इज इक्वल टू द 30% ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 30% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी ये कैंसिल, यानी SI अपॉन P क्या दिया गया है 3/10, यानी प्रिंसिपल 10 यूनिट तो सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट, इसका मतलब यही है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम दिया गया है कितना 6 ईयर, तो हम सबसे पहले क्या निकालें, रेट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 3, प्रिंसिपल दिया गया 10, R नहीं पता है, टाइम दिया गया 6/100। अब यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए मैं इसको कैसे करूं, चलो 3 से 2, 2 से 50, 50 से ये, यानी रेट कितना आ गया 5%। अब आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, यानी कि कहा गया इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू द इतना परसेंट, इट विल बी इक्वल टू द, अच्छा यानी कि जो इंटरेस्ट की बात किया जा रहा है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए, यानी प्रिंसिपल कितना यूनिट है 10 यूनिट, ठीक है, ये कब होगा इक्वल, ये क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट होता है 10, प्रिंसिपल कितना है वही है 10 ही, रेट कितना है 5%, तो टाइम की बात किया जा रहा है, टाइम कितना होगा, कौन से टाइम में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इक्वल, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल मान 10, क्योंकि प्रिंसिपल कितना था इतना, प्रिंसिपल तो वही है, डिवाइडेड बाई क्या 100। सिंपल हमने फॉर्मूला यूज किया SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। चलिए अब हम कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 20, यानी टाइम कितना लगेगा 20 ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या गया, ए पर्सन इन्वेस्टेड मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, कोई पर्सन है वो तीन स्कीम है उसके पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। पहले केस में 6 ईयर के लिए टाइम दिया गया है, 6 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए एंड 12 ईयर के लिए, रेट ऑफ परसेंट आर दिया गया है 10%, 12% एंड 15%। और क्वेश्चन क्या कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स सेम इंटरेस्ट। तीनों के केस में इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या है सेम है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है यानी प्रिंसिपल का रेशियो बताना है, यानी P1:P2:P3 बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मैं तो डायरेक्टली लिख देता लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट तीनों के केस में क्या है सेम, यानी कि कांस्टेंट हो गया, ये तीनों के केस में सेम है, घट बढ़ नहीं रहा है, 100 क्या है कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो गया PRT इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1/R T,
यानी हमें मिल गया कि प्रिंसिपल किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/RT। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहले के केस में P1:P2:P3 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी जनरेट कर देता हूँ, 1/R1T1:1/R2T2:1/R3T3। और कहां से आया, मैंने प्रूफ करके दिखाया। लेकिन आपको क्या करना था, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले रटना नहीं है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला भूल भी गए तो आप क्वेश्चन को बना सकते हो। फॉर्मूले सिर्फ आपको एक याद रखने हैं, SI=PRT/100। अब चलिए ध्यान से देखिए, ये मैं तो आपको समझाने के लिए किया था, अदरवाइज आप डायरेक्टली करते। तो 1/RT 6×10 यानी 60, 1/12×10 120 1/15×12 कितना होता है, 12×15 होता है 180। ये हमेशा याद कर लो, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर नहीं भी तो 15 × 10 = 150, 15 × 2 = 30, 150 और 30 कितना हो गया 180। चलो 60 तीनों में 1 0 0 0 कैंसिल, 6 से काटूं 6 × 12 = 18 यानी 1/1:1/2:1/3। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 6 हो गया, और 6 से क्या करते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6×1 = 6, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, यानी रेशियो क्या हो गया, 6:3:2 किसका, P1:P2:P3 का। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, 1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर द अमाउंट विल बी इतना आफ्टर, कब हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, कहा जा रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 2000 रुपए का मिश्रधन कितने समय में प्राप्त होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हो तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो पहले केस में, चलो केस फर्स्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल दिया गया है 1000, रेट दिया गया है 5%, यहां तक हो गया रेट 5%। अब आगे, हाँ देखो टाइम 10 ईयर, क्यों, देखो मैं निकाल रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, आप फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट आप 4 10 ईयर के लिए इस तरह से निकालें, सिंपल फार्मूला PRT/100, 1000×R5×10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी क्या हो गया 500 क्या हो गया इंटरेस्ट। अब देखो 10 ईयर में तो ये हुआ, अब आपने पढ़ा है कि जो प्रिंस, जैसे ही आफ्टर टेन ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1000 तो था, इंटरेस्ट ऐड हो जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है आफ्टर 10 ईयर द, देखो इंटरेस्ट इज एडेड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1500, प्रिंसिपल हो गया 1500, न्यू प्रिंसिपल हो गया 1500, अमाउंट दिया गया है यानी मिश्र धन अमाउंट कितना दिया गया है 2000, अमाउंट दिया गया 2000 यानी इंटरेस्ट जो बचा हुआ इंटरेस्ट वो कितना रह गया। अब इंटरेस्ट होता क्या है, अब आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट 500, प्रिंसिपल 1500, PRT/100, R वही है 5, टाइम निकालना ही, ये वाला टाइम हम निकाल देते हैं कि आफ्टर 10 ईयर के बाद कितना टाइम लगा, अपॉन क्या, ये जो टाइम है आफ्टर 10 ईयर के बाद कितना टाइम लग रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो मैं करने जा रहा हूं 5 से 100, यानी टाइम कितना हो गया, अगर मैं 5 × 3 = 15 = 20 × 5 = 100, यानी 20/3 ईयर, यानी 6 × 2/3 ईयर। लेकिन हमें क्या, 2000 अमाउंट कितने समय में हुआ, खुद सोचो, देखो 2000 अमाउंट कितने समय में हुआ, तो पहले तो 10 ईयर लगा ही था 10 ईयर, उसके बाद कितना टाइम लगा, इतना, यानी 6/2/3, यानी कितना, 2000 बनने में अमाउंट कितना समय लगा,
16 सही, 2 अपॉन इतना ईयर। कौन सा आंसर मैच कर गया? डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 21 टू 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें आपको सीजीएल सीपीओ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए थे सारे हमने कंप्लीट किए। देखिए मेरे दो पेड कोर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग कोर्स, जिस कोर्स की फी है 300 रुपीज, आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो इस कोर्स को। सीजीएल सीपीओ सीएचएस एमटीएस सारे एग्जाम को कवर कर देगा ये कोर्स, एज वेल एज आपको आरआरबी एनटीपीसी भी कवरअप हो जाएगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इसमें आपको, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन, पीडीएफ नोट्स एंड पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोर्स क्या है? बाइलिंगुअल, ठीक है। एक साइंस स्पेशल कोर्स है जिस कोर्स की फी है 499 रुपीज, आप लाइफ टाइम तक इसको यूज कर सकते हो। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों टॉपिक्स आपको इसमें कवर्ड मिलेंगे, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, और ये कोर्स क्या है? बाइलिंगुअल है, यानी कि अभी केवल सिर्फ आपको बचा हुआ है लेक्चर्स फिजिक्स का, ये भी आपको कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोर्स की फी है 499। स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस के लिए तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके जीएस, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और वो आप यहां से कवरअप कर सकते हो। अब बात आती है, आपने कोर्स तो जान लिया, आप कैसे कोर्स को ज्वाइन कैसे करोगे? पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गिवन है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर गिवन है। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप्स नंबर भी गिवन है, और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर सारा कुछ गिवन है। अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो तो ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, आपने कोर्स तो पे कर दिया, आपको कोर्स कैसे मिलेगा? तो आपने जो भी पे किया उसकी स्क्रीनशॉट या पिक्स आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे, उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप उस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। आप चाहते हैं कि मोर अपकमिंग वीडियो ऐसे ही आए तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जेन्युइन आपको हेल्प मिल रहा है तो आप कमेंट्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि ऐसा आपको इस सेशन से हेल्प मिल रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।